शादी को लेकर अलग अलग मजहब अलग अलग रीतियां अपनाई जाती हैं। लेकिन अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के दौरान कई बार चावल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा शादी के वक्त दूल्हे के द्वार पूजन के दौरान एक रस्म निभाई जाती है। ये रस्म होती है वर और वधु पक्ष दोनों एक दूसरे पर चावल फेंकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आप जानते हैं? तो आज अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर शादी के समय चावल क्यों फेंके जाते हैं। शादी के समय चावल फेंकने की रस्म से जुड़े कुछ धार्मिक तो वहीं कुछ वैज्ञानिक तर्क भी हैं। सबसे पहली वजह है कि शादी के वक्त जब दूल्हा लड़की के घर आता है, तो उस वक्त द्वार पर आने से पहले पूजा की जाती है। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से चावल फेंके जाते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि दोनों युगल जोड़ी के जीवन में खुशियां आएं और दोनों हमेशा के लिए खुश रहें। तो वहीं दूसरी वजह ये है कि नए युगल जोड़े को संतान पाने का सुख मिलता है और भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। तीसरी वजह यहाँ पर यह है कि जिंदगी में खुशहाली और तरक्की बनी रहती है। चौथी वजह यह है कि चावल में हल्दी डाल कर दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि घर का भंडार घर की लक्ष्मी के जाने के बाद भी भरा रहे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।